पीछे कोई भी अमेरिका में पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी लाएगा तो उसको इंडियन अमेरिकन डॉक्टर्स और आपी एसोसिएशन के अगेंस्ट के सपोर्ट का जरूरत होती है। एक मैं दस साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों के साथ साझा कर दूं। यूएस इलेक्शन से जुड़ी हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने 230 इलेक्टोरल कॉलेज में अपनी लीड को बना रखा है, जबकि कमला हैरिस ने 187 पर अपनी बढ़त बनाई है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे हम लोग कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर 6 में से 7 स्टेट्स पर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त, ये बताती है कि वो राष्ट्रपति की कुर्सी के बेहद करीब है। कमोबेश रुझान भी उसी तरफ आ रहे हैं। तो वीके दत्ता साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना दीपक जी को, लेकिन ट्रंप साहब का एक बयान मुझे ध्यान में आ रहा है। ट्रंप साहब ने यह कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर मैं यूएस प्रेसिडेंट बनता हूं तो जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है मैं तुरंत खत्म करा दूंगा, वो सारी चीजें बंद करा दूंगा। दूसरा, उनको अगर ट्रंप के बारे में कहा जाए तो वो ऐसे फैसले लेते हैं जो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। कई बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना सलाह के भी वो फैसले लेते हैं जो चौंकाते हैं। तो ट्रंप का आगे आना, ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई, तो जोश इस वक्त, ये सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सुबह की तस्वीर है, अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पर पहुंचे थे, और हेडक्वार्टर्स की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप हेडक्वार्टर्स की तस्वीर, जहां सुबह सुबह जब काउंटिंग हो रही थी लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। अब से कुछ ही देर में वो एड्रेस भी करेंगे, वही हेडक्वार्टर से एड्रेस करेंगे जहां पर कई सारे रिपब्लिकन सपोर्टर्स मौजूद हैं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। 270 का जादुई आंकड़ा टच कर रहा था, 267 पर जीत के साथ उभरते हुए नजर आ रहे हैं रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब बताया जा रहा है अमेरिकी मीडिया के अनुसार कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं दीपक जी, इसी पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। आपने भी शायद कोई कैप पहन ली है दीपक जी, अमेरिका से ही जुड़ी हुई है ये क्या? डोनाल्ड ट्रंप की कैप है, डोनाल्ड ट्रंप की 2017 की कैप है। हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप विनर होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप विनर हो चुके हैं, और 267 पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट आते ही डिक्लेयर हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। और इसी के दीपक साथ जी, हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड आईज? लेट्स, आई थिंक अब तो वो समय आ गया है कि हम इस बात पर चर्चा करें, क्योंकि 267 का आंकड़ा आ गया है, कुछ ही मिनटों में 3 का भी आ जाएगा, कुछ ही मिनटों में डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस भी करेंगे, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन अब ये वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करेगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा? जो इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में है, क्योंकि वीजा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्या उसमें सख्ती देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला चीज तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके दोस्त वापस व्हाइट हाउस में आ गए हैं। जिस प्राइम डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने हाथ पकड़ के, हाउडी मोदी के ग्राउंड में हाथ पकड़ के लेके गए थे स्टेज पे, उसी वापस डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आ गए हैं, वापस मोदी जी के दोस्त व्हाइट हाउस में आ गए हैं, और इंडिया के सपोर्टर और इंडिया का वेलविशर, हिंदुइज्म का वेलविशर डोनाल्ड ट्रंप इज बैक इन व्हाइट हाउस। और इंडियंस को जो खतरा है और जो डाउट है कि इंडियन का इमिग्रेशन पॉलिसीज, डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज इंडियंस के अगेंस्ट होगी, इंडियन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट होगी, ऐसा आईटी सेक्टर के अगेंस्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं दीपक जी, ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि इसको लेकर लगातार दत्त साहब चर्चा भी हो रही थी, और ऐसा क्यों हो रहा था? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनालिटी ऐसा रहा है, या उनके स्टेटमेंट्स ऐसे रहे हैं? कि चर्चा तो ये भी हो रही थी कि शेयर बाजार में उछाल देखने को मिलेगा, चर्चा ये भी हो रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो तेल की कीमतें कम होंगी, डॉलर और भी ज्यादा मजबूत होगा, सोना और भी ज्यादा मजबूत होगा, इंडियन ओरिजिन के लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्या ऐसा कुछ होगा? मैं वो क्लैरिटी आपसे लेना चाहूंगी। नहीं, मैं आपको अभी बता दूं, दीपक जी, पहला मैं एक बार तो दत्त जी से भी मेरा सवाल ले लेने दीजिए। हाँ बताइए सर। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं अपने को पैनलिस्ट के साथ। ये जो पहले भी आपको याद होगा, जब लास्ट टेन्योर में ट्रंप साहब थे तो ये छोटे मोटे रफल्स होते हैं जिसको हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है,
वो उनको मिलके उनको समाधान निकल जाता है। ट्रंप साहब चाहते हैं कि हाई टेक लोग आए जो टेक्निकल हो, जिससे अमेरिका को फायदा हो। वो नहीं चाहते कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे एंटर करें। अच्छा, मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी दत्त साहब। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम ट्रंप हेडक्वार्टर से दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहुंचेंगे। बड़ा दिन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। काफी मेहनत लगी होगी डोनाल्ड ट्रंप को यहां तक। एक बार फिर से 2016 की वो तस्वीर याद आ रही होगी, जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने इस तरह संबोधित किया था यूएसए के फ्लैग के साथ। साइड में आप देख भी रहे हैं, स्टेज पर टेलीविजन चल रहा है, आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। 267 को टच कर लिया है, किसी भी वक्त 270 को टच करेंगे। उस जादुई आंकड़े को टच करते ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे और जनवरी में वो सेरेमनी होगी जिसका भव्य समारोह आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो लंबे समय से जिसका चुनाव प्रचार, लोगों में जोश कितना ज्यादा है। अब देखिए भारी तादाद में ट्रंप हेडक्वार्टर में लोग यहां पर मौजूद हैं। बड़ा दिन है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। डिक्लेयर हो गया है डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। Accounts for the fact that he had so much turnover in his first term as president by the fact that he really know what. तो बहुत बड़ा अपडेट आपने देखा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब तो दत्ता साहब, अब तो क्योंकि अमेरिका में सिस्टम ये रहा है, अब तो इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाएगा जब तक ओथ सेरेमनी होगी। बिल्कुल ऐसा है कि जब ये फाइनली डिक्लेयर होगा, ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, तो एक तरह से मान लिया जाए। लेकिन मेरे को एक और खबर मिली थी कि जो हमारे क्या बोलते हैं वो जो इनकी जो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइटन अप कर दी गई है व्हाइट हाउस की, कैपिटल हिल की, क्योंकि ये भी मानने सुनने में आया था कि जो डेमोक्रेट है, जैसे पिछली बार रिपब्लिकन्स ने एक हंगामा किया था, हो सकता था डेमोक्रेट इस बार हंगामा करें ट्रंप साहब की जीत के ऊपर। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी को बिल्कुल चार चौकत किया गया अमेरिका के अंदर, ये यकीन करने के लिए भी कहीं पर भी कोई दंगा फसाद ना हो इसको लेके, और जब तक ये पूरी चीजें सेटल हो गए, इसका ओथ टेकिंग सेरेमनी ना खत्म हो जाए, तब तक जो लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है उसको कायम करके रखना है। और अभी पूरी दुनिया में जो इस चीज को बड़े क्लोजली देख रहे थे, कई लोग बहुत खुश हैं। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद ट्रंप साहब को, दीपक जी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए उनके समर्थन में कैप लगाई हुई है, अभी वो कोई टीवी चैनल भी देखते हुए नजर आ रहे थे, मुस्कुरा रहे हैं ट्रंप के जीतने के शॉट्स में। दीपक जी कुछ ही देर में ट्रंप आएंगे, एड्रेस भी करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ इसके जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होंगे, वर्ल्ड लेवल पर इसके डायनामिक्स क्या होंगे। इंडिया के साथ हर कंट्री एक तरफ, जहाँ ये एक वक्त हुआ करता था जब ये लोग सोचते थे कि हमारे रिलेशन जो है वो यूएस के साथ अच्छे हो, लेकिन अब वो वक्त बदला है, अब लोग ये सोचते हैं कि हमारे रिलेशन भारत के साथ अच्छे हो। इंडिया भारत की दोस्ती और अमेरिका की दोस्ती जो है वो काफ़ी गहरी रही है। हाउडी का आप भी जिक्र कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए थे तो कैसे पीएम मोदी ने और हमारे देश के लोगों ने उनका स्वागत किया था, ये हम सब ने देखा था। लेकिन इन सब के बीच में आपको क्या लगता है हमारे टाइज कैसे होंगे, इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा? इकोनॉमी आई थिंक आपने अभी देख रहे हैं वॉल स्ट्रीट ने सैल्यूट किया है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को। वॉल स्ट्रीट ऑल टाइम हाई, ऑलरेडी एडवांस में हाई है, फ्यूचर्स हाई है। दीपक जी बड़ी खबर इस वक्त अपने व्यूअर्स को बता दें, अमेरिकी चुनाव से आ रही है, ट्रंप होंगे अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 270 का जादुई आंकड़ा टच कर लिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए था, 270 का आंकड़ा टच कर चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, जीत चुके हैं अमेरिका के रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, 2016 में हिलरी क्लिंटन को हराकर पद को संभाला था। और दीपक जी देखिए, हिलरी क्लिंटन भी कोई आम कैंडिडेट नहीं थी, बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा पद, लोगों में उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, उनका एक अलग क्लास था, एक अलग पर्सनालिटी थी, अलग मुद्दों से वो लोगों से बातचीत करती थी, इंडियन जर्नलिस्ट से भी उनके रिश्ते जग जाहिर है, और सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी। तो जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को उठाया था, हालांकि पूरा मीडिया इस बात के अगेंस्ट जा रहा था, जितने भी ओपिनियन पोल आए थे उसमें हिलरी क्लिंटन जीतती हुई नजर आ रही थी, क्या आपको
लगता है ऐसा ही नैरेटिव कमला हैरिस के भी लिए हमें देखने को मिला? नहीं, हिलेरी क्लिंटन और कमला हैरिस में बहुत फर्क है। हम हिलेरी क्लिंटन से पर्सनली मिल चुके हैं और हिलेरी क्लिंटन वॉज क्योंकि क्लिंटन वॉज वेरी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री और क्लिंटन की सक्सेस का क्रेडिट हिलेरी क्लिंटन को काफी मिला। हिलेरी क्लिंटन की पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस था, पीपल ने कंपेयर करने की कोशिश की क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन को क्लिंटन से, बट वो कंपेयर नहीं कर पाए, इस वजह से हिलेरी क्लिंटन हार गई। पर और ओबामा के अगेंस्ट में भी ओबामा की पर्सनैलिटी, ओबामा इज अ वेरी गुड ओरेटर, तो उस वजह से भी हिलेरी क्लिंटन हार गए। पर जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस की पर्सनैलिटी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। कमला हैरिस का अचीवमेंट भी कुछ भी नहीं है। पिछले चार साल में कमला हैरिस पिछले चार महीने में ही पिक्चर में आई है, उसके पहले कमला हैरिस जो अपने आप को इंडियन ओरिजिन का बताती हैं, उन्होंने एक भी इंडियन मीटिंग्स नहीं की, कोई भी इंडियन फंक्शन में उन्होंने अटेंड नहीं किया, उन्होंने जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को सपोर्ट किया और अपने आप को इंडियन कम्युनिटी से दूर रखा, पहला। दूसरा चीज तो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा गैप रहा ये, और यही गैप रहा। और उसके अलावा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अमेरिकन पब्लिक पिछले दो चार साल में एक वर्ल्ड लीडर देख सके, एक यूएस प्रेसिडेंट देख सके, जो पावरफुल प्रेसिडेंट देख सके। आज वर्ल्ड में पिछले तीन साल में चार साल में जब से बाइडेन आए हैं, जब से एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है, कभी इसराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, कभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कभी अमेरिका में इंटरनल बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लोग बाग इलीगल मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और लोगों को एक पैनिक क्रिएट हो गया है। आज शॉपलिफ्टिंग बिग ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे क्राइम रेट ऑल टाइम हाई है, तो पब्लिक को इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है। तो ये सब मुद्दे जो थे उसको कभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कमला हैरिस ने एड्रेस ही नहीं किया। और ट्रंप ने एक इस चीज को ट्रंप ने इनकैश किया, एलन मस्क ने समझा कि पब्लिक में ट्रंप की अच्छा, ट्रंप को पब्लिक पसंद करे या ना करे, पर एलन मस्क ने देख लिया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक अपोज करेगी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी और उसकी वजह से कमला हैरिस को भी सपोर्ट नहीं करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप की खूबियां 50% है तो 50... एक बड़ा अपडेट यहां अपने व्यूअर्स को बता दे रहे हैं, अमेरिकी चुनाव से जुड़ी ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, सभी स्विंग स्टेट्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉसिन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है, यानी कि सारे सातों स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप की जीत दर्ज हुई है। दीपक जी, दत्त साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्त जी, क्या ये समझा जाए, क्योंकि स्विंग स्टेट्स को लेकर हम ये ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, स्विंग स्टेट को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि ये वो इलाका अमेरिका का है जहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि रिपब्लिकन के लिए रेड स्टेट है, डेमोक्रेट्स के लिए ब्लू स्टेट है, पर्पल स्टेट हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन लेकर आता है, लेकिन क्या कहा जाए कि इस बार सभी स्विंग स्टेट के वोटर्स ने बढ़ चढ़कर रिपब्लिकन को वोट दिया है? या बिल्कुल ऐसा है कि जो स्विंग स्टेट्स उनको बोला जाता है कि जो एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ लगातार नहीं रहते हैं, वो मुद्दों के ऊपर वोटिंग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो रुझान आते हैं वो लास्ट मिनट में भी, लास्ट 12 घंटे में भी चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार जो स्विंग स्टेट्स का योगदान रहा है वो ऑन मेरिट रहा है, ऑन इश्यूज रहा है, और जो इश्यूज अमेरिकन पब्लिक के लिए उन्होंने ठीक जाना उसी लिहाज से उन्होंने वोटिंग करके उस वाले कैंडिडेट को जिताया। तो ये अहमियत रहती है स्विंग स्टेट की, ताकि उनका कोई एक प्रिडिक्टेड आउटकम नहीं है, उनका रहेगा ऑन एक्चुअलिटी, ऑन द ग्राउंड रियलिटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर द कंट्री। तो ये अहमियत है स्विंग स्टेट्स की। ठीक है दीपक जी, एक और बात बताइए, पॉपुलैरिटी वोट या वोट परसेंटेज का क्या इम्पोर्टेंस रहता है अमेरिका के इस इलेक्शन रिजल्ट में? ये पॉपुलैरिटी परसेंटेज वोट्स का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है अमेरिकन में, और डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली लास्ट टाइम में भी काफी पॉपुलर रहे हैं, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे हैं, और इस बार भी काफी पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। और उसके साथ में एलन मस्क में, वो बोलते हैं ना कि दाल में तड़का, वो दाल में तड़के वाली कहानी एलन मस्क ने कर दी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आके। और एलन मस्क में जो स्विंग स्टेट्स में जो जो मिलियन डॉलर का रेफल क्रिएट किया,
और जो स्विंग स्टेट्स में वोटर्स को डेमोक्रेट से रिपब्लिकन कन्वर्ट करने का प्लान किया वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ। इसी वजह से आप देखिए सातों स्विंग स्टेट्स, जो कभी भी नहीं हुआ होगा कि सातों स्विंग स्टेट्स एक सम से रिपब्लिकन पार्टी को मिल जाए, और वो सातों स्विंग स्टेट्स एकदम से रिपब्लिकन पार्टी को भी द वाइड मार्जिन। एक नैरेटिव था 2016 मुझे याद है, डीमोनेटाइजेशन की हम सब तैयारी जब कर रहे थे तभी एक बड़ा सा अपडेट आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक नैरेटिव तब बिल्ड हुआ था कि ही इज अ मिसोजिनिस्ट। उस नैरेटिव को इनकी पूरी पीआर टीम ने बदल दिया है, उस नैरेटिव को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बदला है, उस नैरेटिव के टुवर्ड्स अब खुद में बेटरमेंट के साथ साथ अपने आप के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी पब्लिक इमेज डोनाल्ड ट्रंप चेंज करने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। आई थिंक इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा इलॉन मस्क को, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को काफी हद तक कंट्रोल किया है। और आप देखिए कि हर कैंपेन में, हर रैलीज में, हर जगह इलॉन मस्क पीछे डोनाल्ड ट्रंप के बैक में सपोर्ट पे खड़े रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं तो प्रेसिडेंट बन डिक्लेयर होने के साथ में ही इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खड़े हुए हैं। सबसे पहली व्हाइट हाउस की फोटो, ओवल ऑफिस की फोटो इलॉन मस्क ने शेयर की है पब्लिक के साथ में। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट इलॉन मस्क को जाता है कि उन्होंने फ्यूचर फोरकास्ट कर दी कि और डोनाल्ड ट्रंप को फुल सपोर्ट करके उनका नैरेटिव चेंज किया, उनका एटीट्यूड चेंज किया, उनका बिहेवियर चेंज किया, और पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया है। यूएस पब्लिक ने इसको अप्रिशिएट किया। वैसे अब इस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट मुद्दा यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड के लिए क्या करेंगे, वर्ल्ड में क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होगा, वर्ल्ड में कैसे वॉल स्ट्रीट सपोर्ट करेगा उनको। और ऑलरेडी ये देखने में आया कि चाइना मार्केट ऑलरेडी, चाइना फ्यूचर्स डाउन है, तो चाइना को लग गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही चाइना पे वापस काफी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, चाइना के एक्सपोर्ट्स बैन हो जाएंगे, और चाइना का एक्सपोर्ट्स बैन होने से, ड्यूटी लगने से इंडिया को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर अब इंडियन गवर्नमेंट अपनी स्किल्ड लेबर को साथ में और अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करे, तो आई थिंक इंडिया पब्लिक को और इंडियन गवर्नमेंट को, जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। दत्त जी एक बात बताइए, गन कल्चर को लेकर आज नहीं कई दशकों से अमेरिका में हमेशा चर्चा रहती है, जब भी चुनाव करीब आते हैं इस बारे में और चर्चा जोर हो जाती है, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि कई ऐसी न्यूज़ हम भी कवर करते हैं जहां पर हमें ये सुनने को मिलता है किसी ने किसी पर शूट कर दिया, तो क्या गन कल्चर को लेकर, गन लाइसेंस को लेकर कुछ लॉज में अमेंडमेंट्स या स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी? देखिए ऐसा है कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है यूएस में, गन्स को पोजेस करने के बारे में और गन्स को रखने के बारे में, तो इसके ऊपर लगातार दो लॉबीज हैं, एक प्रो गन्स का फेवर करते हैं और एक एंटी। तो अभी ऐसा है कि जहाँ तक गन कंट्रोल का मतलब है उसको रेगुलेट कर दीजिए आप, लेकिन अगर आप गन कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा पुशबैक मिलता है उसमें, क्योंकि ये मतलब शुरू से ही जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब एक नींव पड़ी, तब से ही वो हर एक आदमी, हर एक नागरिक अपनी रक्षा खुद करता था, वाइल्ड वेस्ट के चर्चे आपने सुने होंगे, तो गन को रखना एक वहाँ का कल्चर है, तो उसको आप अगर चेंज करना चाहें तो ये एक तरह से हो जाता कि अगर हम बोले भाई हमारे यहाँ जो सरदार हैं, खालसे हैं, वो तलवार नहीं रखेंगे, वो कृपा नहीं रखेंगे, तो उस प्रकार की बात हो जाती है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो गन कल्चर को हटाने की चेष्टा करती है उसको पुशबैक मिलता है, लेकिन रेगुलेट कर दीजिए आप, उसका लाइसेंसिंग कर दीजिए आप, ये यकीन मान के चले कि कोई इल्लीगल एक्टिविटी में गन्स का इस्तेमाल ना हो, सेल्फ प्रोटेक्शन में एज अ हॉबी आप रखना चाहते हैं आप रखिए, तो ये जो है आगे चल के बताएगा कि आपकी जो ये जो नीतियां हैं आप उसको किस प्रकार रेगुलेट करेंगे ताकि पब्लिक की सेफ्टी भी रहे और जो एक जज्बा है लोगों का गन्स को पजेस करने का वो भी रहे, लोग अपना शौक भी पूरा कर पाए और साथ साथ में कोई लॉ एंड ऑर्डर के इशू ना बने या कोई ऐसे सिक्योरिटी के इशू ना बने कि कोई बच्चा बंदूक उठा के ले गया स्कूल में जाके गोलियां चलानी शुरू कर दी उसने, तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनको ये आगे अपनी पॉलिसीज को थोड़ा और पुख्ता करना पड़ेगा,
ताकि ये विन विन सिचुएशन हो जाए सभी के लिए। ठीक है दीपक जी, अबॉर्शन एक वो मुद्दा था जो कमला हैरिस की पार्टी ने बहुत जोर शोर से उठाया था, आपको क्या लगता है कि जो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर इंटरवेंशन किया था, पहले के ऑर्डर को कम्प्लीटली पलट दिया था, लेकिन ये सोचने वाली बात थी और अमेरिकन लेडीज भी ये कहती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता है अमेरिका जैसे इतने स्ट्रांग और डेमोक्रेटिक स्टेट में इस तरह की घटना घट सकती है, अबॉर्शन को लेकर इस तरह के लॉज हैं। क्या आपको लगता है जिस बात को लेकर कमला हैरिस ने जोर शोर से प्रचार किया था वो इतना चल नहीं पाई या लोग इतना अफेक्ट नहीं होते हैं? नहीं बिल्कुल, पब्लिक ने कमला हैरिस के जो अबॉर्शन मैटर पे जो कमला हैरिस का एटीट्यूड था और जो उनका बिहेवियर था उसको पब्लिक ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग वर्डिक्ट रहे हैं उसके बारे में और पब्लिक ने जो ये अबॉर्शन पॉलिसी पे कमला हैरिस को जो ऑलमोस्ट 10 से 11% इस इलेक्शन में ये एजेंडा था और उस पे पब्लिक ने डेफिनेटली कमला हैरिस को फुल टाइम अपोज किया है और ट्रंप को उसका बैरो बेनिफिट मिला है। मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूं, जैसे उन्होंने बोला अभी कि स्विंग स्टेट्स में इलेक्शंस का और स्विंग स्टेट्स पर स्विंग स्टेट्स में एकदम 7 स्विंग स्टेट्स अगर ट्रंप के फेवर में आती है तो इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि अमेरिकन पब्लिक ऑल फुल लेवल पे अमेरिकन पब्लिक ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया है और बाइडेन को अपोज किया है, बाइडेन पॉलिसीज को अपोज किया है, बाइडेन और कमला हैरिस की पॉलिसीज को टोटली अपोज किया है और पब्लिक चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप आए और वापस अपनी पॉलिसीज को और अपने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उस मुद्दे को वापस लेके आए और अमेरिका को वापस एक जो वर्ल्ड लीडर कहलाता था अमेरिका, जहां पे अमेरिका एक बॉस वर्ल्ड का बॉस कहलाता था, वापस अमेरिका का बॉस है, वर्ल्ड लीडर बने, वापस अमेरिका एक डेफिसिट्स को कम करें ताकि अमेरिका वापस हेल्दी बने। दत्त जी मैं ये भी समझना चाहूंगी, जहां हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि डॉलर जो है वो और स्ट्रांग बनेगा, चर्चा तो इस पर भी होना चाहिए कि रुपया कब स्ट्रांग बनेगा, क्या डॉलर के स्ट्रांग बनने से रुपए तो नहीं कमजोर हो जाएंगे और इसको क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से इंडिया और अमेरिका दोनों की इकोनॉमी में बहुत पावरफुल ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए ऐसा है कि जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और वो इंटरलिंक्ड रहती है पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में, आपकी अपनी क्षमता कितनी है, आपके मैन्युफैक्चरिंग कितना है, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो डॉलर की स्ट्रेंथ वर्सेस इंडियन रुपी है ये एक मतलब वेइंग फैक्टर होता है कि क्या आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको फायदा होने वाला है और अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए हमारे जो भारत में अभी आज की पॉलिसी है कि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपना प्रोडक्शन करके दुनिया में बेचें, वोकल फॉर लोकल भी है दत्ता जी, वोकल फॉर लोकल भी है, जहां पर मुझे लगता है हमें हर मन से इस बात को प्रमोट भी करना चाहिए कि लोग जो है इंडियंस जो है वो इंडिया के ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदें और इसको दूर तक पहुंचाएं। हमारे साथ धीरज कौल भी जुड़ गए हैं, समर्थक है रिपब्लिकन पार्टी के, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन धीरज कौल जी आपको। कैसा लग रहा है आपको, हर तरफ रिपब्लिकन की धूम मची हुई है, कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस भी करेंगे, सुबह से लगातार उनकी तस्वीरें, उनके परिवार वालों की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में डायनेमिक्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका की तस्वीर कितनी बदलेगी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आप बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आई जस्ट जॉइन फ्रॉम रिपब्लिक हियर। First of all, I think congratulations to all our fellow US citizens because we have to work together. और congratulations to all the Indians as well, क्योंकि ये समय बहुत ही crucial है। देखिए मैं I was like officially speaking, I'm not supposed to be in any party because of the work I do. लेकिन it was obvious that I had to gather support for Republican Party, which I did in Pennsylvania. मैं Pennsylvania में हूँ जो एक key state है और ट्रंप यहाँ पे स्क्रैंटन से हैं जो 20 मिनट दूर है मुझसे। यहाँ बहुत बड़ा इसका आपके साथ जनरल बैठे हैं, तोप के गोले यहाँ बनते हैं, स्टील उसका यहाँ पे बनता है, वर्ल्ड वॉर 1-2 एंड फॉर गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से बनता है। और जॉर्जिया में भी हमने काफ़ी सपोर्ट पे काम किया, बहुत ट्रैवल किया। और देखिए ये सब समझने के लिए आपको
बेसिक रूट कॉज समझना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ट्रंप आफ्टर ऑल द एलिगेशंस एंड एवरीथिंग अच्छी डिसाइसिव विक्ट्री, एक रेड कारपेट स्विंग आपको दिख रहा है. ये सेवन स्टेट्स थी नॉन डिसाइसिव, जो स्विंग स्टेट्स कहते हैं, और उसमें सबसे पहले उन्होंने आपका ये नॉर्थ कैरोलिना जीता, फिर नवाडा और जॉर्जिया और अब पेंसिल्वेनिया. तो अब वो तो कंफर्म्ड है, लेकिन बड़े इश्यूज यहाँ पे इमिग्रेशन था, बहुत बड़ा इशू कि 12 से 13 मिलियन लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, हर किसी को $7,000 मिल रहे हैं, उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा. मैटर ऑफ फैक्ट कैलिफोर्निया ने एक रूल पास किया कि आप वोटिंग करने जा रहे हैं तो आपसे आपका आईडी भी नहीं पूछा जा सकता, तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल. और इस वजह से यहाँ मैं एक फिजिशियन हूँ, ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, मैं AI हेल्थ केयर में भी काम करता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बड़ा एक तरीके से दबाव आया, और जितने भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स थे इनके लिए सरकार ने प्रबंध किया कि धीरज कौल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि स्विंग स्टेट में ऐसा कम ही देखने को मिला है जब स्विंग स्टेट पूरा का पूरा किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर दे, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, हमेशा परिवर्तन देखने को मिला है. ऐसा क्या रहा इस बार जो स्विंग स्टेट्स ने पूरा समर्थन रिपब्लिकन को दिया? देखिए, यही समझने के लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी. यहाँ पे तीन बड़े, बहुत बड़े इश्यूज थे. एक था इमिग्रेशन, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स का यहाँ आना, यहाँ के रिसोर्सेज को ड्रेन करना और क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना. सेकंड वाज इन्फ्लेशन. जब महंगाई बढ़ती है तो वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, रिच एंड पुअर, हर किसी के लिए बढ़ती है, रिच के लिए कम बढ़ती है, तो उन सब की पॉकेट्स पे हिट हुआ. इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, फर्स्ट टाइम होम बायर्स घर नहीं खरीद पाए, सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं, यहाँ तक कि एक चीप कार टोयोटा करोला जैसी गाड़ी भी खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था. तो महंगाई की बहुत मार थी. सेकेंडली इमिग्रेशन का इशू था. थर्डली अगर आप देखिए तो बहुत अनसर्टेनिटी, जो जेंसी पॉपुलेशन के लोग हैं और मिलेनियल और हमारे एज ग्रुप के लोग हैं जो कि अपना करियर पिछले कई सालों से स्टार्ट किए हैं, उनके लिए फ्यूचर देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएटेड थी. वर्ल्ड को एक ग्लोबल लीडर, निगोशिएटर चाहिए था, और ट्रंप के रूप में हमें वो मिला है. भारत में मोदी जी उस स्टैचर के लीडर हैं, लेकिन अमेरिका जो कि काफ़ी जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है वो मिला, और अमेरिका की डेफिसिट बहुत बहुत बड़ा है, 35 ट्रिलियन है, और जिस हिसाब से डेफिसिट है उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इसीलिए काफ़ी हद GDP इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है. तो ये एक तरीके से बॉल है जिसको आगे तक लोग पास कर रहे थे. और देखिए, समझना ये ज़रूरी है कि जितने भी एजुकेटेड क्लास के लोग हैं वो जानते हैं कि वर्ल्ड इस टाइम डिसरप्शन के थ्रू गुजर रहा है. कोविड के बाद, मैं कोविड में एसोसिएटेड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जीनोमिक्स और स्पेस ट्रैवल, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो वर्ल्ड को पूरा डिसरप्ट करेंगे. उसमें अमेरिका लीड कर रहा है सेमीकंडक्टर्स में और सॉफ्टवेयर में, और इंडिया सपोर्ट लिए, तो इसीलिए अब ट्रंप का यहाँ आना बहुत जरूरी था, ताकि हमें एक स्ट्रांग लीडर मिले जो हमें उस दिशा में ले जाए. और सबसे अच्छी बात, इलॉन मस्क ने इनको ज्वाइन किया, जो एक बहुत लेजेंड और विजनरी है, और मुझे लगता है ट्रंप की टीम, ट्रंप तो है ही, लेकिन उन्होंने टीम में RFK जूनियर, इलॉन मस्क और भी बहुत ही स्मार्ट टॉप लीडर्स को वो ला रहे हैं, जिससे अमेरिका की फाइनेंशियल ग्रोथ और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा, और भारत में बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी. बिल्कुल, आप ये समझिए, और जनरल साहब वहाँ बैठे हैं, वो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं. ये बहुत अच्छी चीज हुई है, आपको इसके इफेक्ट्स दिखेंगे, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी देखना दिलचस्प होगा कि कितना इम्पैक्टफुल रहता है. दीपक जी, क्या ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, क्योंकि अब एक साथ ही सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से बैकिंग इलॉन मस्क ने की है, क्या कहा जाए आने वाले समय में रियल स्टेट के प्राइस थोड़े कम होंगे, गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो जाएंगी अमेरिका में, क्योंकि जिस तरह से उछाल है, लोगों के लिए घर खरीदना इतना मुश्किल हो गया है, न्यूयॉर्क में तो सपना ही रह जाता है लोगों का, वॉशिंगटन में सपना रह जाता है, क्या अब वो सपना साकार होता नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट पिछले 3 साल में इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, और इंटरेस्ट रेट हाई होने के रीजन से हर चीज महंगाई हो गई है. यहाँ पे 2% इंटरेस्ट होती थी, आज वहाँ पे 4.5% है, और पब्लिक को आते आते वो 7% तक इंटरेस्ट मिलता है, रेट पे पैसा मिलता है. तो आज कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री, सबको आज पैसा चाहिए होता है, तो 7% इंटरेस्ट पे वो पैसा लेके बिजनेस कर रहा है, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, और उसका इफेक्ट आगे प्रोडक्ट्स में और उसके प्राइजेस में मिलता है. जब इंटरेस्ट रेट कम होगी, प्रोडक्ट प्राइजेस कम होगी, इन्फ्लेशन रेट कम होगी, अपने आप चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी, अपने आप प्रोडक्ट्स की प्राइजिंग कंट्रोल कम हो जाएगी, अफोर्डेबल हो जाएगी चीज़ें,
और चीजें अफोर्डेबल होगी, पब्लिक को एक रिलीफ मिलेगा। और एक बहुत बड़ा ये मेरे ख्याल से इलॉन मस्क जो खुद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो गाड़ी अफोर्डेबल कार्स इन्होंने टेस्ला बनाई है और सब बनाई सब अफोर्डेबल, उनको मालूम है कि क्या क्या होता है कि प्रोडक्ट्स कंज्यूमर पे कितना लोड पड़ रहा है, और उस वजह से आई थिंक इट विल मेक अ बिग चेंजेस। और बहुत जल्दी ही ये चेंजेस आने वाले हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी चेंजेस आने वाले हैं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड ट्रम्प के आने के बाद विल बी बेटर वर्ल्ड, बेटर हेल्दियर वर्ल्ड। और अब ट्रम्प इज नॉट ट्रम्प वन, ट्रम्प इज नाउ इन द सेकेंड वर्जन, ट्रम्प इज 2.0 वर्जन ऑफ ट्रम्प नाउ। सो इट्स अ डिफरेंट ट्रम्प देन लास्ट टाइम, और उसका इफेक्ट आपको सबको हम सबको देखने को मिलेगा। आई थिंक अमेरिका और वर्ल्ड इसको सपोर्ट करेगा, वर्ल्ड लीडर्स इसको सपोर्ट करेंगे, इंडिया सपोर्ट कर रहा है ऑलरेडी। अमेरिका स्टॉक मार्केट 800 पॉइंट फ्यूचर्स अप है, ऐसा ही इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर्स अप है। तो ये समझ में आता है कि वर्ल्ड वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल मार्केट ट्रम्प को सैल्यूट कर रहा है, ट्रम्प की लीडरशिप को सैल्यूट कर रहा है। इंडियंस एज एन इंडियन, एज एन इंडियन अमेरिकन, एज दीपक जी, इंडियन। यानी कि टेस्ला भी जल्दी अब भारत में दस्तक देगी। हालांकि इस पर तो चर्चा हो गई है, लोग सपने भी देखने लगे हैं कि कब टेस्ला की गाड़ियां जो है इंडिया की सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि हाँ आने तो वाली थी लेकिन अब और जल्द होगी। बिल्कुल जल्दी सी टेस्ला इंडिया में आएगी। और टेस्ला हम लोग हमने सबसे पहली टेस्ला ली थी यहाँ पे, फर्स्ट 100 कार्स में से हमने टेस्ला ली थी अमेरिका में। यस और हमारे दोस्त थे मधुर भंडारकर, वो बहुत फैन है उस टेस्ला के। जब हम ली थी वो इंडिया से फ्लाई करके आए थे खाली वो टेस्ला में बैठने को और उसको ट्राई करने को। तो जो टेस्ला गाड़ी इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बनेगी, और इंडिया की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल का हो चुका है, बड़ा हाईटेक हो चुका है। और टेस्ला जो ऑटोमेटिक कार है और उसमें इंडिया की रोड्स पे बहुत अच्छे से, और इंडिया ठीक की है। पब्लिक धीरज पसंद धीरज करे। कौल जी कुछ कहना चाह रहे थे टेस्ला पर। धीरज कौल जी देखिए, दो पॉइंट्स हैं। एक तो जब हम इलॉन मस्क की बात करते हैं तो टेस्ला उसका 30% से भी कम कंपोनेंट है। मैं बायोटेक एनालिस्ट भी हूँ और वॉल स्ट्रीट पे कनेक्टेड भी हूँ, और आई एम अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट इन दिस। तो जब हम टेस्ला को देखते हैं, टेस्ला एज अ कंपनी एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज प्रॉब्ली 15-20-25% न्यूरोलिंक, जो कि आप समझिए आर्टिफिशियल ब्रेन चिप, जो वो काम कर रहा है वो तकरीबन 25-22% का उसका शेयर होगा। स्टारलिंक जो कि जियोपॉलिटिकल सैटेलाइट्स हैं, साइबर लूप और बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जिस पे मस्क पैरेलली काम कर रहे हैं। तो टेस्ला इज अ कंपनी ह्यूज, इट्स ह्यूज पोटेंशियल। अभी रिसेंटली 15% का, 10% का उसने उछाल भी रिसेंटली देखा था। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ट्रंप ने एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया कि यहाँ पे यूएस के टैक्सेस को इवेड करने के लिए चाइनीज ईवीज, जो सबसे सस्ती ईवी बनाती है $20,000 की, $25,000 की, जिसके खिलाफ कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं स्टैंड पाएगा बिकॉज ऑफ इफेक्टिवनेस, वो लोग मैक्सिको में गीगा फैक्ट्रीज लगा के यूएस टैरिफ्स को बाईपास करके यहाँ पे बेचने के उसमें थे। तो ट्रंप ने इसी बात पे बोला कि मैं उसको 1,000 गुना टैरिफ लगा दूंगा, वो बेच ही नहीं पाएंगे यहाँ पे अपनी जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नंबर अच्छा वन। धीरज क्योंकि जी, देखिए अमेरिका में आप जॉब्स प्रोटेक्ट करना तो आज नहीं, 2016 से ही डोनाल्ड अनरेसिस ट्रंप की बातों में रहा है। अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तमाम उनके कैंपेनिंग स्लोगन्स भी रहे हैं। लेकिन लेकिन ये तो लेकिन बातें हो गई कॉल साहब, एक ये तो एक बातें हो गई, मैं आऊंगी, ये तो बातें हो गई कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो टेन्योर बाइडन का रहा है, जितनी चीजें बदली हैं, चाहे आप हेल्थ टैक्सेस को लेकर बात कर रहे थे, इमिग्रेंट्स को लेकर बात कर रहे थे, या ई व्हीकल्स की बात कर रहे थे जो मेक्सिको में बनकर इलीगल तरीके से यूएस एंटर कर रही थी और यूएस की सड़कों पर चल रही थी, आने वाले इन 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप के आगे चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे? कि बड़ा चैलेंज है सबको साथ लेके चलना, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है वो फ्रीली स्पीक करते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में डजन गो वेरी फार अवे। तो सबको साथ लेके चलना उनके लिए डेफिनेटली एक चैलेंज रहेगा। दूसरा कि कहां पे कितनी स्टेटमेंट देनी है पब्लिकली जिससे कि बैकलैश ना हो, वो लीगल ट्रबल में ना आए, वो एक सेकंड अभी भी याद रखिए उनपे कई सारे केसेस चल रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा हमें लगता है ट्रम्प पे एक कम दुनिया पे है,
वो है इस टाइम जियो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी नंबर वन विच यूक्रेन वॉर एंड मिडल ईस्ट, जिसमें मुझे लगता है वो काम कर पाएंगे। सेकेंड इज इन्फ्लेशन, जिसका फर्स्ट स्टेप उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, वो तेजी से इंटरेस्ट रेट गिराएंगे और टैक्सेस कम करेंगे कंपनीज के ऊपर, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ताकि देखिए अगर कोई भी छोटी स्टार्टअप कंपनी चलेगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इट ईट्स अप देयर अर्निंग्स, तो कंपनी की वैल्यूएशन गिरती है, तो उस पर भी वो बहुत काम करेंगे। और तकरीबन ठीक है कॉल जी, मैं एक आखिरी सवाल दीपक जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी ब्रेक में जाने से पहले। हम लोग अमेरिका की इतनी बातें करते हैं, अमेरिका में इक्वालिटी है, अमेरिका का हेल्थ, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर अमेरिका ने एक महिला को क्यों नहीं वोट दिया, एक महिला को क्यों नहीं जिताया, तब अमेरिका की इक्वालिटी कहाँ गई? नहीं, ये महिला का सवाल नहीं है, यहाँ पे हम लोग गलत हैं कि अमेरिका में महिला का